और यार कैसे हो जेईई एस्पिरेंट्स, रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रखा होगा, अपियर हो चुके होंगे, जोसा का भी एक प्रियर प्रेशर बढ़ रहा है सर, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, बिना जोसा के क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जी मिलेंगे, लेकिन आपको जोसा के थ्रू नहीं, दूसरी काउंसलिंग के थ्रू, स्टेट अथॉरिटी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, यूपीएस डवाली मतलब यूपीटीओ मतलब एकेटीओ, तीनों पोर्टल एक ही हैं और यूपीटेक के नाम से इनका थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है डोमेन का, uptech.nic.in करके है, मैं दे दूंगा वेबसाइट का जो लिंक है ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन पे, तो आप सीधे पोर्टल पे जाओगे और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप होम स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, क्या काउंसलिंग हाईलाइट्स हैं, क्या पॉइंट्स, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना रखोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, फिर किसी नॉर्मल सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपकी प्लेसमेंट्स नहीं होंगी। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करता है आफ्टर रिजल्ट। तो कुछ पॉइंट्स से पहले काउंसलिंग हाईलाइट्स देख लो यार, आपको यार होम स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, बहुत अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करना है, आप अपने पहले होम स्टेट अदर स्टेट की रिजर्वेशन को ले लो। अगर आपने 10th 12th यूपी से नहीं किया, आपके पास डोमिसाइल है तब भी आपको मिलेगी, 10th 12th अगर आपने यहाँ से किया है, आप बाहर के रहने वाले हो तब भी आपको मिलेगी, लेकिन जनरल में आई थिंक कंसिडर करते हैं। और दूसरा चीज, आपके पास जनरल EWS है, OBC है, SC ST, आपने NTA में अपलोड नहीं किया था, क्या अभी रिजर्वेशन हमको मिल सकती है? मे बी पॉसिबिलिटी, आपको सेलेक्ट करने को ऑप्शन देंगे तो अपलोड करिएगा, हो सकता है आपकी चीजें अप्रूव भी कर दें, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट हो तो आप उस कैटेगरी को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट और होते हैं, डिफेंस का है तो जितने भी हैं सब कैटेगरी वो सारी यूज करो। उसके बाद अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और यहाँ पर यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ क्वेरीज अगर रेज होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्वेरीज रेज होगी तो उसको ध्यान रखना, उसको क्लियर करना, फिर आपकी चॉइस स्पेलिंग एक्टिव हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, किसी के फादर मदर नेम दूसरे हैं जेई के स्कोर कार्ड में, 10th 12th की मार्कशीट में कुछ और है, तो लिटिल बिट छोटी मोटी क्वेरीज हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड पर एड्रेस कुछ अलग है और हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर एड्रेस अलग है, तो परमानेंट एड्रेस और हम जो एक टेम्परेरी एड्रेस पूछा गया वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो, और चिंता करने की कोई बात नहीं है, और अच्छे से अलॉटमेंट होगा, पूरा प्रोसेस होगा, पूरा गाइड करूँगा। और उसके बाद में शेड्यूल यार अभी आया नहीं है, एक आया था अभी इस पर फिर हट गया था वेबसाइट्स पे, तो वही शेड्यूल अभी चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा बहुत ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है यूपीटीयू का, एज पर द नीड, एज पर द कम्फर्टेबिलिटी, एज पर द वेबसाइट ट्रैफिक, एज पर द कॉलेज अलॉटमेंट इन सीट इन ऑल एकेडमिक कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कॉलेज का शेड्यूल चेंज होता रहता है। मतलब थोड़ा सा अभी राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं दिए, लेकिन आगे हो सकता है दे दें। और दूसरा चीज, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, है ना, रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोगों ने अपना जेई का स्कोर कार्ड किसी को शेयर कर दिया था, तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब उनका तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपने जिसको जिसको भी शेयर किया आप उनसे बात करके रिक्वेस्ट करके भैया वापस ले लो। अब जो भी ये लोग कर रहे हैं काम वो बिल्कुल गलत है, और मैं बोलूंगा कि यार ये ऑटो एक्सेस सिस्टम होना चाहिए जैसे जोसा में होता है कि जिस बच्चे की डिटेल होंगी उसी के पास में नंबर ईमेल आईडी रहेगा, तो ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और जो भी लोग कर रहे हैं भाई साहब मत करो, नहीं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। और दूसरा चीज, हाँ बच्चों को दे दो यार पासवर्ड वगैरह, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे, है ना। और दूसरा चीज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होकर वेरीफाई होंगे, फिर चॉइस प्लिंग एक्टिव हो जाएगी, फिर रिजल्ट आ जाएगी, फिर 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल, और एक यहाँ पर बीच में क्वेरी छूट गई चॉइस प्लिंग वाली। जब चॉइस प्लिंग आएगी तो उसको रखेंगे कैसे, क्या रखना है, इस पर एक छोटी सी वीडियो आपको अलग मिलेगी। वैसे मैं आपको एक बार कॉलेज ये दिखा देता हूँ कि ये सारे कॉलेज रहेंगे इस तरह से। तो अब थोड़ा सा चॉइस फिलिंग वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग ना कट ऑफ के बेसिस पे हो सकती है, लोकेशन के बेसिस पे हो सकती है, प्लेसमेंट के बेसिस पे हो सकती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं। पहले नंबर पे NIT and BIT, JSS, अजय कुमार गर्ग, इन सब में तो देखो कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में जो ये कॉलेज हैं इसमें एक मेजर डाउट रहता है, लास्ट वाले में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ABS गाजियाबाद को भी आप लोग लास्ट में रखते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आपको काफ़ी ढेर सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बिकॉज GL बजाज की प्लेसमेंट्स आज के टाइम पे बहुत अच्छी होती जा रही, बिकॉज मैं बोलूँगा कि काफ़ी बार गलगोटिया के ऊपर भी पिछले 2 सालों में निकल गई है प्लेसमेंट, अगर कॉलेज कैंपस की बात करें। सेम चीज़ काइट गाजियाबाद को भी ये टक्कर दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं चॉइस फिलिंग में अजय कुमार घर के बाद में, तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बट नहीं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये जो प्रेफरेंस है वो पूरा का पूरा कट ऑफ बेसिस पे है, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बाकी मैं बोलूँगा आप अपनी चॉइस के हिसाब से लो। हाँ, एकेडमिकली बहुत अच्छा है ये भी, और ये दो कॉलेज ऐसे हैं जिनकी एकेडमिक रैंकिंग फर्स्ट और सेकेंड है। और हाँ, मतलब इट्स मीन कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा फेल नहीं होते, सारे बच्चे पास हो जाते हैं और प्लेसमेंट्स भी अच्छे आते हैं। मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, अब जो लोग पढ़ने में थोड़े कम अच्छे हैं उन पेरेंट्स से बोलूँगा आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हो, अगर थोड़ा बहुत बदमाश है तो सुधर जाएगा। बाकी अगर आपकी यार रैंक 3 लाख के ऊपर है तो आपके लिए कॉलेज हैं IIMS गाज़ियाबाद, RKGIT, GNIT, IIT, डॉक्टर अम्बेडकर कानपुर, ये दो गवर्नमेंट एडेड टाइप इंस्टीट्यूट है। तो इनके लिए रैंक थोड़ी सी आपको वही 1.5 लाख से 2 लाख रैंक वाली चाहिए होगी, बाकी इन तीनों के लिए ये रैंक चाहिए होगी। CRL रैंक मैंने बताई है, कैटेगरी रैंक नहीं है। तो ये यार पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस है, ये प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, राउंड वाइज भी अपग्रेड होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। नंबर कॉन्टैक्ट पे दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन पर, तो जाके बात करो।